शनिवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए हर महीने कलेक्ट करने को कहा था। इसी चिट्ठी से पूरे राजनीतिक जगत में खलबली मच गई है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में एंटलिया केस में फंसे सचिन वाजे का जिक्र है। चिट्ठी में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उन्होंने सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए हर महीने कलेक्ट करने को कहा था। बता दें कि परमबीर सिंह को हाल ही में मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाया गया था। इसके बाद शनिवार को उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी, जिससे राजनीतिक जगत में खलबली मच गई। पूर्व वित्त मंत्री ने भी इस संदर्भ में फोन द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्विटर के माध्यम से सारे आरोपों को खारिज किया। आरोप अतिशय गंभीर आहे। आता पोलीस यंत्रणेमध्ये ज्या पद्धतीने अफरातफरी सुरू झाली आणि पोलीस व्यवस्थेमध्ये सचिन वाझेच्या रूपाने पोलिसांच्या गणवेशामध्ये एक खंडणीखोर बाहेर आला, हा खंडणीखोर जेव्हा पकडला गेला तेव्हापासून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत। सचिन वाजेगा का आपण पुन्हा निलंबित असताना नोकरीत घेतलं, त्याला इतके वर्ष तो निलंबित असताना त्याला अशा पद्धतीची अधिकार असणारी पोस्ट का दिली, असे अनेक प्रश्न आताही अनुत्तरित आहे। पण ही गोष्ट निश्चितपणे गंभीर आहे की मुंबई सारख्या शहरातील पोलीस आयुक्तांनी असे आरोप करणं हे अतिशय गंभीर आहे। आणि मला वाटतं की या दृष्टीने सुद्धा माननीय मंत्री महोदय तर उत्तर देईलच, पण ही गंभीरता लक्षात घेऊन आपल्याला अतिशय सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे। समजा पोलीस आयुक्तांची बदली केली म्हणून हा आरोप केला तरी या दृष्टीने गंभीर आहे की पोलीस प्रशासनामध्ये जे अनुशासन आहे ते संपलेलं आहे। एवढ्या मोठ्या स्तरावर जर अशा घटना होत असेल, या अगोदर सुबोध जयस्वाल पोलीस महासंचालक होते, त्यांनी पोलीस विभागात नाराजी व्यक्त करत या महाराष्ट्रातून आपल्या पदावरून ते मुक्त झाले। आता दुसरा एक अधिकारी एवढ्या मोठ्या पदावरचा, आयुक्त पदावरचा एक अधिकारी अशा पद्धतीने आरोप करतो, म्हणजे पोलीस दल कुठे चाललं? सचिन वाजे हा जर पोलीस गणवेशामध्ये खंडणी वसूल करण्याचं काम करतो ही सुद्धा गंभीर बाब आहे। तर मला असं वाटतं की आता सखोल चौकशी तर केलीच पाहिजे। सुधीर भाऊ, काय असतो मागणी काय असणार आता भारतीय जनता पार्टीची की आता इतका मोठा आरोप लागल्यावर गृहमंत्र्याचा राजीनामा मागण्याची असेल? नाही, गृहमंत्र्याचा राजीनामा मागण्याची या आरोपावरून तरी मला वाटतं की आवश्यकता नसते, कारण असा आरोप केला आणि ज्या आरोपाच्या संदर्भातला कोणताही पुरावा अजून देण्यात आलेला नाही त्याबद्दल राजीनामा मागणं हे काही योग्य नाही। पण जो आरोप केला, एका आयुक्त पदावरील अधिकाऱ्यांनी आरोप केला आहे, तर त्या आरोपाची सखोल चौकशी करून त्यांच्याकडे असणारे काय पुरावे आहे, जे आयुक्त आहे त्यांच्याकडे काय पुरावे आहे, ते पुरावे तर घ्यावे लागतील। याबद्दल गृहमंत्री महोदयांचं काय स्वतःचं मत आहे, बयान काय आहे, याबद्दल त्यांचं बयान घ्यावं लागेल। सुधीर भाऊ, खूप खूप धन्यवाद तुम्ही आम्हाला हे माहिती दिल्याबद्दल, तुम्ही आमच्याशी बोलण्याबद्दल। अंबानी के घर के सामने में एक स्कॉर्पियो पाई गई थी, जिसमें 300 से अधिक जिलेटिन की ऐसी कई स्टिक्स बरामद पुलिस ने की है। इसके ऊपर में एक काफ़ी अच्छी कार्रवाई चली, जिसके चलते सचिन वाजे इस पुलिस उप निरीक्षक के ऊपर में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके चलते कई खुलासे हुए। और जब परमवीर सिंह ने तो आज इस बात का खुलासा किया कि राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख इन्होंने प्रति माह 100 करोड़ रुपये कमाने के लिए सचिन वाजे इसे बोला गया था, ऐसा पत्र देकर उन्होंने पूरे राजनीति में खलबली मचा दी है, जिसके चलते महाराष्ट्र के तमाम लोगों की निगाहें अब इस केस की ओर लगी हुई है। क्या सही में राज्य के गृहमंत्री इन्होंने 100 करोड़ की डिमांड की है हर महीने के लिए, या फिर ये कहीं राजनीति की बात तो नहीं? इसके ऊपर में भी शहर में जोरों से चर्चा जारी है। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।